यह भारत के निजी क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। देश में पहली बार प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट ने शुक्रवार 18 नवंबर को अपना पहला रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण कर एक इतिहास बना दिया है। वहीं रॉकेट को विकसित करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट एयरो स्पेस के एक ट्वीट में इसके सफल लॉन्च की घोषणा की है। रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर MOU साइन हुआ था। वहीं विक्रम एस रॉकेट के साथ 3 पेलोड्स भी हैं, जिसमें एक विदेशी ग्राहक का है। यह स्काई रूट एयरो स्पेस की शुरुआत है। प्रक्षेपण यान में इस्तेमाल होने वाले इंजन का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 80 रखा गया है। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। 4 साल पुरानी कंपनी स्काई रूट के CEO और सह संस्थापक पवन कुमार ने बताया कि यह एक टेस्ट फ्लाइट है। इसरो ने इसकी उड़ान के लिए लॉन्च विंडो तय किया था। रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना अधिक स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। 6 मीटर ऊंचा यह रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर लगे हैं ताकि उसकी स्पिन कैपेबिलिटी को संभाला जा सके। विक्रम एस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा में इसरो के 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी। विक्रम एस यह सिंगल स्टेज का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है। स्काई रूट के CEO पवन चांदना ने बताया कि स्काई रूट देश की पहली निजी स्पेस कंपनी है जिसने यह सफलता हासिल की है। इसकी सफलता के साथ ही भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। विक्रम एस की सफलता से अंतरिक्ष की दुनिया के कई रास्ते खुलेंगे। विक्रम एस से कई प्रयोग किए जा रहे हैं। यह एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरेगा। इस रॉकेट का वजन करीब 545 किलोग्राम है। माना जा रहा है कि यह देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को भी नई ऊंचाइयां देगा। इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है और यह एक देश की एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह भारत के स्पेस इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम है। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट को नाम दिया गया है। रॉकेट विक्रम एस के साथ 2 देशी और 1 विदेशी पिलोट्स भी जा रहे हैं। विक्रम एस ने आसमान की शोभा बढ़ाने वाले भारत के पहले निजी रॉकेट के रूप में इतिहास रच दिया है। यह मिशन स्काई रूट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि यह उन 80% तकनीकों को मान्यता दिला चुका है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस चेन्नई से लगभग 115 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। यह रॉकेट दशकों से राज्य द्वारा संचालित इसरो के प्रभुत्व वाले देश के अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश को चिन्हित करता है। विक्रम एस से कई प्रयोग किए जा रहे हैं। यह एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरेगा जो समंदर में गिरने से पहले धरती की सतह से 101 किमी की ऊंचाइयों को हासिल करेगा। इसमें कुल 300 सेकंड का समय लगेगा। इसरो की इस नई उपलब्धि ने एक नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि स्काई रूट देश की पहली निजी स्पेस कंपनी है। तो दोस्तों, इस विक्रम एस रॉकेट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।